सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि मशहूर आलिम दीन अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी इंतकाल कर गए हैं। अल्लामा ज़मीर नकवी को दिल का दौरा पड़ा जो कि जानलेवा साबित हुआ। इनका ताल्लुक शिया बरादरी से था और इनका शुमार शियाओं के बड़े ज़ाकिरों में होता है। कई किताबें आज भी अल्लामा नकवी के नाम से जानी जाती हैं। अल्लामा ज़मीर नकवी को लोग लड्डन जाफरी के नाम से भी जानते हैं। करीबी लोगों के मुताबिक अल्लामा नकवी को रात को दिल का दौरा पड़ा और इन्हें रात को ही निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरहूम की मैयत अंचोली अमाम बारगाह में मुंतकिल की जाएगी। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी भारतीय शहर लखनऊ में पैदा हुए। अल्लामा साहब खतीब के साथ साथ शायर भी थे। अल्लामा साहब ने शायरी और मरसिया निगारी समेत कई किताबें लिखीं। तर्जमान के मुताबिक गवर्नर सिंध का अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी के इंतकाल पर इजहार अफसोस है। गवर्नर सिंध की मरहूम की मकफरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ है और गवर्नर सिंध का कहना है कि उनकी दुआ है कि अल्लाह लवायकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वैसे तो अल्लामा साहब ने इस्लाम की खिदमत के लिए कई काम किए हैं, लेकिन उन्होंने असल शोहरत मीम्स के जरिए बनाई और इनकी वफात से एक बात भी ज़रूर साबित होती है कि इंसान जिस फिरके से भी ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन अगर आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह बनोगे तो लोग आपको वफात के बाद ज़रूर अच्छे अल्फाजों में याद रखेंगे। अल्लाह पाक मुर्शद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और हमें भी नेक काम करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये मैंने दिखावे का गुस्सा किया। ये तो होगा। Thank you.